और दोस्तों क्या हाल चाल है। आज मैं कुछ सीएस रैंक का हिडन ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि अपना न्यू मैप में है। और जितना भी हिडन ट्रिक्स बताऊंगा ना, यानी कि हिडन प्लेस बताऊंगा ना भाई, उसको यूज करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा किल कर पाओगे, आपका गेम प्ले इंप्रूव हो जाएंगे, साथ में आपका केडी भी बढ़ जाएंगे। लेकिन यार सीएस रैंक में हर मैच बुआ करने के लिए और इस ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए आपको एक परफेक्ट कैरेक्टर कम्बिनेशन का जरूरत पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया, तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद जाकर उसको वॉच कर लेना। और अभी आप कमेंट में बता दो कि आपने मास्टर कर लिया या फिर अभी भी हीरो में ही हो। देखो यार, मैं हिडन प्लेस तो बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपको हर मैच में ये रनिंग का स्प्रिट परचेज करना, इससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि बहुत बार ये होता है ना, आप डैमेज देते हो एंड आपका टीममेट किल चुरा लेते हैं, लेकिन इससे आपका बेनिफिट ये होने वाला है कि आप पहले जाके पीछे से एनिमी को मार सकते हो, यानी कि सरप्राइज अटैक कर सकते हो। और मेरे भाई, जितना ज्यादा किल करोगे ना, उतना ज्यादा आपका केडी बढ़ जाएंगे। यार हो सके तो एक बार इसको यूज करके देखना। एंड अभी चलते हैं हमारा हिडन प्लेस की तरफ, यानी हिडन ट्रिक्स और हिडन प्लेस की तरफ। देखो यार, ये जो प्लेस है ना, इसके लिए मैं बस एक ट्रिक बताऊंगा, जिसको यूज करने के बाद आप सबसे ज्यादा किल करोगे अपने ग्रुप में। ठीक है, आपको पीछे से जाना है, पीछे देखो, इस प्लेस से आपको जाना है। एंड जाने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएंगे। भाई देखो यार, मैं यहाँ पे ना 2 किल आसानी से कर लिया, और भाई आपका गेम प्ले भी अच्छा होना पड़ेंगे। एंड मुझे पता है आपका गेम प्ले अच्छा है। और अभी जो मैंने रश किया ना, इसको सरप्राइज अटैक बोलते हैं, इसके लिए आपको हुकोंग लेना पड़ेगा। और ये जो प्लेस है ना भाई, यहाँ पे बहुत सारा बंदा 2 मिस्टेक करता है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप में से बहुत सारा बंदा क्या करते हैं, उसमें चढ़ जाते हो, चढ़ो ठीक है, किल करो, फिर जोन से पहले नीचे उतर जाओ, नहीं तो कोई आपको मार देंगे बहुत ज्यादा आसानी से। अभी मैं जिस प्लेस पे बैठा हूँ ना, यहाँ से आप बहुत सारा किल कर सकते हो, पर एक शर्त है, आपके पास M500 होना चाहिए। वैसे मेरे पास M500 नहीं था, तो मैं नीचे चला गया। नीचे जाके अभी मैंने 2 किल किया, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो यार आपको भी सेम करना है, अगर M500 लेते हो तो ऊपर जाके मारो, और G8 लेते हो तो भाई हमेशा नीचे से फाइट करो, ऊपर बिल्कुल भी मत जाओ। और इस प्लेस में आपको जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, शायद ही आपको किसी ने बताया होंगे। देखो उस साइड से बंदा आएंगे, सबको पता है, सभी ने बोला कि भाई इस साइड से जाना, इस साइड से जाके मारना, बहुत किल मिलेंगे, लेकिन आपको इस साइड से जाना है। और भाई ये बात तो समझ लगा, किसी भी प्लेस पे तुम भागते हो जाओगे ना, कोई भी तुमको हेडशॉट मार देंगे, इसलिए आपको कवर लेके जाना है। और भाई मेरा मानो, आपको अगर समझ में आ गया ना कहाँ पे किस पोजीशन में कवर लेना चाहिए, तो भाई आपको कोई हरा नहीं पाएंगे, आप सोलो बस स्क्वाड भी कर लोगे। यार आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मैंने इस बंदे को कितना आसानी से मार दिया। अगर आप इस साइड से आओगे ना, तो 2-3 किल आसानी से कर लोगे, लेकिन यार कवर लेके आना, कवर लेके नहीं आओगे तो आपको कोई मार देंगे। और ये जो पोजीशन है ना, इसके लिए आपको एक मस्त सा ट्रिक बताऊंगा, जिसको यूज करने के बाद भाई आपको बहुत सारा किल मिलेंगे। और सबसे खास बात तो ये कि इसके लिए आपको अपने फ्रेंड का जरूरत भी नहीं पड़ेंगे, आप अकेला ही जाके किल कर सकते हो। बहुत बढ़िया ट्रिक से भाई। देखो आपको ना हमेशा ये जो है पीछे से जाना है, पीछे से जाने के बाद आपको क्या करना है बताता हूँ। अगर यहाँ पे बंदा रहेंगे तो आप आसानी से मार दोगे, और ऊपर जाने के बाद आपको बंदा दिखेंगे ही दिखेंगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ। देखो यहाँ पे एक बंदा था, तो मैंने उसको मार दिया बहुत ज्यादा आसानी से। और इसके बाद में और भी 3 ट्रिक्स देने वाला हूँ, जो कि इससे भी बढ़िया है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके जाना। और इस पोजीशन में आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा, जिसको आप हर मैच में यूज कर सकते हो, एंड इसको यूज करके आप 2-3 किल तो आसानी से कर लोगे। आपको हमेशा ड्रॉप के पीछे छुप के रहना है, और सामने बंदा आएंगे तभी आपको सरप्राइज अटैक करना है। तो यार यहाँ पे सीन क्या हो गया, बंदा थोड़ा दूर था, तो मैंने क्या किया, मैंने पीछे से घूम के, या देख सकते हो अभी मैं पीछे से जाऊंगा, और पीछे जाके भाई इसको इतना तगड़ा हेड मारूंगा ना, मतलब बहुत आसानी से मार दूंगा। बस आपको ये रूल फॉलो करना है, आपको ड्रॉप के पीछे रहना है या फिर पीछे से जाके आपको मारना है। और गाइस इस पोजीशन के लिए मैं एक खास ट्रिक बताने वाला हूं, अभी देख सकते हो 3-3 राउंड हो चुका है, मैं ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा बुआ भाई आपका ही होने वाला है। आपको पीछे से जाना है, फिर आपको क्या करना है बताता हूं आगे। फिर गाइस आपको जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर चला जाना है। अंदर चले जाने के बाद आपको सीढ़ी से सीधा ऊपर जाना है, एंड आपके साथ एक फ्रेंड भी होना चाहिए, यानी कि टीममेट होना चाहिए, नहीं तो यार आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बंदा तो रहता ही है, किल भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपका गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है और गेम प्ले का थोड़ा सा कमजोर है, तो फ्रेंड को लेकर चलो। और देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था, 2-3 बंदे यहाँ पे रहेंगे, और मेरा टीममेट चूर दिया, मेरा किल ही चुरा लिया यार। और अभी आगे बढ़ते हमारा लास्ट ट्रिक्स की तरफ, जो कि सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। और ये जो पोजीशन है ना मेरे भाई, यहाँ पे सभी बंदे गलती करते हैं, क्या करते हैं, हवा में चढ़ते हैं, मारते हैं, फिर नीचे आता है, हवा में चढ़ता है, मारता है, फिर नीचे आता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको नीचे ही रहना है, फिर हेडशॉट मारना है, एम करके आपको हेडशॉट मारना है, 2-3 बार में आपका हेडशॉट लग जाएंगे। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।